गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अवकल समीकरण में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। व्यापक हल हमने कल पढ़ा था, किसे कहा था? एक ऐसा हल जिसमें जितने कोटि होती है उतने ही उसके स्वेच्छ अचर उसमें सम्मिलित होते हैं, उसे हमने व्यापक हल कहा था। विशिष्ट हल, जब हम व्यापक हल के में जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनको कोई संख्यात्मक विशिष्ट मान दे देते हैं तो उससे प्राप्त हल को हम विशिष्ट हल कहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, व्यापक हल दिया होगा, उससे हमें अवकल समीकरण का निर्माण करना। अभी हमने क्या कहा, व्यापक हल किसे कहा था? एक ऐसी अवकल समीकरण जिसमें जितनी कोटि होती है उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो व्यापक हल दिया होगा उसमें सबसे पहले अचर स्वेच्छ अचरों की संख्या को नोट करना है कि कितने हैं, और जितने अगर आपके पास स्वेच्छ अचर होंगे उतनी ही बार उसका हम समीकरण का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो जो हमें दी होगी समीकरण एक, या जितनी बार अवकलन करके हमें जो समीकरण मिली होंगी 3-4 जो भी होंगी, उन सभी को हमको हल करके उन हमें स्वेच्छ अचरों को उनसे क्या करना होगा, हटाना होगा। उसके बाद लास्ट में प्राप्त अवकल समीकरण ही आपकी दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण कहलाएगी। जैसे प्रश्नावली 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा गया है 1 से 5 में स्वेच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ए और बी दो आपके स्वेच्छ अचर हैं, तो इसका मतलब आपने यहाँ दो बार अवकलन तो करना ही करना है। तो जैसे पहला आपका है यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें स्वेच्छ अचर कितने हैं, 2, तो आपने दो बार अवकलन करना ही करना है। तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आपने क्या करना है, यहाँ पर अवकलन, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। वाई का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसे हम वाई डैश भी कहते हैं, इक्वल टू 0, राइट। इससे वाई डैश की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन सेकेंड। तो अब इसी का हम समीकरण 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष, क्योंकि 2 स्वेच्छ अचर हैं, एक्स के सापेक्ष आप क्या कर लोगे, अवकलन, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, इसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम समीकरण को हल करके ए और बी को विलुप्त करें, तो इसका मतलब सीधे यही समीकरण आपकी क्या हो गई, अभिष्ट अवकल समीकरण। तो इसलिए वाई डबल डैश इक्वल टू 0, समीकरण 1 का अभिष्ट अवकल समीकरण है, अभिष्ट अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार आप 1 से 5th तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे में अब आपको इसमें एक 6th सिखाती हूँ। 6th में आपसे क्या कहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए आपने किए है, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसने क्या कहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण हमने लिखना है, राइट। तो देखिए वाई अक्ष को मूल बिंदु पर ऐसे करके स्पर्श करते हुए जाएगा, यानी एक ऐसे हो सकता है, या आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, फिलहाल हम यहाँ से पॉजिटिव के लिए ही लेते हैं। तो ये हो गया आपके, तो इसमें अगर आप देखते हो ये ऐसे करके आपके वृत्त जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर इसका केंद्र होगा, राइट, और ये इनकी त्रिज्याएं होंगी, अकॉर्डिंग टू वृत्त के हिसाब से इनकी त्रिज्याएं बदलती रहेंगी। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले इसमें, इसमें माना जाएगा, माना वृत्तों के कुल जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण आपने पढ़ा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस यानी हम एच कहते थे एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का, के तो हो जाएगा 0, के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर भी आपका एच होगा, जहाँ क्योंकि ये वाई एक्सिस में स्थित है तो एच कॉमा 0 वृत्त का केंद्र तथा एच वृत्ति की क्या है, त्रिज्या है। तो अब आपके पास अगर आप यहाँ पर देख तो समीकरण क्या बनी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, राइट। अब इसमें देखिए एक ही स्वेच्छाचर है तो आपको एक ही बार अवकलन करना है, ठीक है। तो एक ही बार अवकलन करना है तो हम समीकरण एक का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। अब आप होल स्क्वायर होल के भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी, तो क्या बनेगा 2x माइनस एच प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, त्रिज्या तो कांस्टेंट ही होती है, या 2 ही हो गया, 3 ही हो गया, 4 ही हो गई, तो कांस्टेंट का 0। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, x माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई वाई डैश माइनस में, तो h की वैल्यू क्या हो गई अब यहाँ पर से x प्लस वाई वाई डैश, इस टर्म को यहाँ नहीं, तो h इक्वल टू अब आपके पास क्या हो गया वाई वाई डैश, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये तो अवकल समीकरण नहीं होगी क्योंकि h है और इससे अधिक बार हम अवकलन कर नहीं सकते, एक ही स्वेच्छाचर था, तो अब इस h के मान को हम दिए गए ये इक्वेशन एक में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस h की वैल्यू तो हो गई माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू एच की वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। बस आप इसमें अब होल स्क्वायर खोलोगे दोनों तरफ और सारे टर्म एक साइड ले जाओगे, उससे आपको जो प्राप्त होगी इक्वेशन वही अभीष्ट अवकल समीकरण होगी, ठीक है। इसी में फिर आपका क्या है सेवंथ, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में परवलय की समीकरण अगर 11th क्लास से याद होगी तो आपकी होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो आप क्या लिखोगे, परवलय के ऐसे परवलय के कुल का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा वह वाई अक्ष धनात्मक वाई एक्स में स्पर्श कर धनात्मक वाई एक्स में दिशा है तो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर से एक स्वेच्छाचर है तो एक बार इसका क्या कर दोगे अवकलन करोगे, फिर आप एक उससे गायब करोगे। ऐसी एर्थ वाले में दीर्घ वृत्त के कुल का अवकल समीकरण लिखना है जिसकी नाभिया वाई एक्सिस में है। वाई एक्सिस में अगर नाभि है तो इसका मतलब ये आपका इस टाइप से बनेगा, वाई एक्सिस में लंबा और जेड एक्स एक्सिस में छोटा वाला। तो उस समय आपकी समीकरण क्या बनती थी, वाई एक्सिस में हो तो आपने पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए किससे बड़ा होता है बी से, तो जिसमें के नीचे आता है वही आपकी वाई एक्सिस के लिए समीकरण हो जाएगी। इसमें दो स्वेच्छाचर हैं तो दो बार अवकलन करके इसको आप सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार आज आप एक्सरसाइज 3.3 नहीं सॉरी एक्सरसाइज कौन सी कंप्लीट करोगे 9.3, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उसे पूछ सकते हैं।